हे व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। इस दिन बच्चों का सुंदर रैली निकला है सुबह सुबह बच्चों का, और कुछ कुछ जगह मैंने फन भी किया है, कुछ कुछ जगह में बहुत फनी है, तो आपको दिखाऊंगा। आप देखिएगा, पहले रैली देखिए कितने स्कूल का कितना कितना लंबा लंबा लाइन, कितने कितने बच्चे, कितने सारे बच्चे। तो आपको ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आपको वीडियो पे दिखाता हूँ, चलते हैं गाइस। चलो तो गाइस देख सकते हैं बहुत भीड़ यहाँ पर है, भारत माता चौक। यहाँ पर सभी पैतालीस किलो मतलब छब्बीस जनवरी इंडिपेंडेंस। गाइस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी हमारे बच्चे लोग रैली जा रहे हैं, तो रैली का छोटा मोटा वीडियो बनाऊँ, क्योंकि हर साल तो ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ, तो कुछ आज हटके करता हूँ, देखते हैं कैसे कैसे वीडियो बनता है। गाइस तो बहुत सारे बच्चे लोग जोर शोर से चलाते हुए, हवा तो फैल रही है, दे रही होगी, कई बच्चे निकल चुके हैं, मैं उठने में लेट हो जाता हूँ, क्या करूँ। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे।
झंडा फहराया जा रहा है। अभी बाद मतलब चौक में देख सकते हैं भीड़ यहाँ पर, सभी बच्चे लोग यहाँ पर आ चुके हैं। पहली बार बहुत दिनों के बाद यहाँ पर भीड़ हुई है और सभी बच्चे यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और एक दो तीन तीन स्कूल विद्यमान है यहाँ पर, तीन दो स्कूल अभी यहाँ पर झंडा फहराया जाएगा। भारत माता का जैसे पूजा हो रहा है यहाँ पर, जैसे ही पूजा होने के बाद यहाँ पर झंडा फहराया जाएगा गाइस। और बच्चों की भीड़ देख सकते हैं यहाँ पर। माता की गणतंत्र दिवस, अमर शहीदों की, अमर शहीदों की जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी उपस्थित हैं। तो गाइस देख सकते हैं बहुत भीड़ यहाँ पर, ये है भारत माता चौक। यहाँ पर सभी बच्चे हैं, हल्ला तो करेंगे ही। तो गाइस सभी यहाँ पर आके निकलते हैं। और आज का जबरदस्त रहा गणतंत्र दिवस 15 जनवरी। सो गाइस बहुत अच्छे से वहाँ भीड़ था, अभी यहाँ पर हम घर आ गए हैं क्योंकि यहाँ पर अब निकल रहे। तो भीड़ भाड़ में गाड़ी को भी रखना नहीं बन रहा था, दिक्कत हो जा रही थी, निकालना था। सब लोग भीड़ हो जा रहे थे, समझ रहे हो। तो ये बच्चे लोग आ रहे हैं, सब लोग निकल। अभी दो ही स्कूल के थे, सरस्वती शिशु मंदिर के थे और गुरुकुल के थे। रामपति का तो पता नहीं, पहुँच नहीं पाए थे। और सरकारी गवर्नमेंट स्कूल तो पूरा शुरू से ही खराब थे, बाकी बहुत अच्छा था, बहुत इन्जॉयबल हुआ क्योंकि छोटा सा जगह, इतना ज़्यादा लोग भीड़ होंगे ही ना। अभी थोड़ा रैली का वीडियो बनाते हैं, फिर गाइस आज का दिन देखते हैं क्या क्या करते हैं। सभी स्कूल में ज़्यादा 27 तारीख को ही फंक्शन स्टार्ट हो रहा है गाइस, तो देखते हैं ना। हैप्पी है बहुत ज़्यादा, सुनो बहुत रो रही थी एक झंडे के लिए। तो कैसा लग रहा है झंडा पकड़ के, हैप्पी? चलो दुकान में कोई आए, मैं आ रहा हूँ। हे गाइस, हाउ नदिया, तुम तेज लेकिन हम लोग दरा घाट जाएंगे। देख सकते हैं गाइस, ये लोग घूम के आ गए ना, झंडा फहरा लिए ना, अभी नहाए भी नहीं, नहाने जाएंगे लोग। मैं नहाता रहे हो, तेज़ जात कभी। ये फंस गया सी है। सही। भाई थी ना, भाई था कि बुरे रहते का दिन भर, अभी जाके फिर बुरे दिनों में खा। सही तो है ना, ये बुरे रहेगी ना पानी, अभी जाके फिर बुड़ जाएगी उसमें क्या। हाँ तो और कुछ कल ये डांस करिए तो कर बता, कल ने का लड्डू पेड़ा छे नहीं ए तार कौन मोल लगा के मोल ला जोड़ दे बेटा। एक तारीख को होगा, अभी नहीं होगा, तो एक तारीख को होगा, जोड़ ले बे मोल ला दू ठीक गाना ला तो भेज दे बे। पहले 27 को बोले आप, एक तारीख को सबका 27 बता रहे थे ना, सबका आगे पीछे करेंगे तो भीड़ होगा मस्त। जितना है करना कर लो, सब लोग में आ गए डालोगे ना। अभी बहुत सारा वीडियो बचा है अपलोड करने के लिए, आएगा अभी क्या तारीख तक डालेगा बता। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। 12 तारीख तक ही डला है और हाँ। ना वो कल थे 22 तारीख है, कल डला दे रात, अभी जाके देख लिया 22 तारीख तक डला है। दर्द हुआ, दर्द हुआ, मैं तो जानती हूँ। हाँ मैम क्या बताइए, क्या बात कर रहे हैं बाबा, तो बताइए से। और डांस करती है भैंसी ना, जानता उजड़ा था हेमा तो गए नाम आता तो नाम बेच रख तो नाम का है वैसे भी गजब बेइज्जती है। भावना सब भावना सर भावना पेट हिलता रहता है। देख ना एक कोट कलर थी पहन तो कुर्ता तो पहन के कोट बना दे, पागल आदमी। अरे ये आजकल का फैशन है, देख
अरे कोट पहन के घूमूंगा ना तो क्या बोलेंगे लोग पता है? इधर उधर के कहाँ जा रहे हैं बोलेंगे दिलारी ना। बात तो सही है। कोट का दे अभी पीन दिया था। कहाँ जा रहे हैं फूट पैंट पहन के कभी? हमने कहा भाई। झूठ बोल रहा है। तो बोलो जय श्री राम। झंडा उचा वंदे मातरम। जय श्री राम। ए नारा लगा रहे जय श्री राम का आज? मैं मारू कितना नारा हमारे मेरे को सुनाई दे रहा था। लड्डू मोर पीछे में लड्डू खाई मर रही है। मुझे सुनाई दे रहा था ना तुम्हारे स्कूल का जैसे निकला ना घर से तो आवाज आ रही थी। मैं क्या बोली? एक ही नारा जय श्री राम जय श्री राम। पता है ये ना एक भैंसीन है जो खा रही है अभी। खा रही है कुछ है ही नहीं कपड़ा ही है बस। वो तो है भैंसीन नहीं है इसे भैंसीन है देखो इतना है मेरे साथ चर्बी है ये तो मेरे से महा है। हाँ मैं तो अच्छा फेमस होता है ना भाना तो बदला कर देती है बच्चा। 100 kg की हो अभी 60 kg हो गई। चुप चुप चुप। तो 50 kg तक दी हो बब्बा 50 kg के नियो वो चुंगी वैसे भी झड़ जाते थे। तो कितना किलो है? 40 40 और 50 जल्दी जाएंगे। 45 किलो के मैं तो 60 किलो के भी नहीं होगा। मैं तो 45 में क्या होता है? 45 किलो मतलब 45 बताओ ना। ओ आराध्या का जैसे मैं जत्ती कर रहा तो बस वही है ये अभी 35 और 5 35 उतनी नहीं 2 और 15 कितना हो? 29 ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अरे बताओ ये ना है बुक रीडिंग करेंगे ना तो क्या पढ़ेगी? दैट लिखा हुआ द एंड लिखा था उसके बाद उसको ईज इन लिखाएगा ईज दुनिया भर का बोलते हैं सही अच्छा उसको नहीं बोलती है। हाँ क्योंकि मेरा वही स्टाइल है वैसे ये जलवा है हमारा ये मीडियम नहीं हिंदी मीडियम में है। ये हिंदी मीडियम में है मैं इंग्लिश दे दी। तो थोड़ा हिंदी भी सीख जाया करो यार तुम लोग 29 35 को नहीं जानोगे तो बाद में ठगा जाओगे तुम लोग। अरे मैं वैसे ठगा चुकी हूँ। मैं ठगा चुकी हूँ इसलिए सीख गई हूँ। दुकान में आते हैं कितने लोग क्या बोले 35 रुपए है दारे दे अभी एडिटिंग कर ही रहा था तो अभी अबीरा का जिद है कि उसका साइकिल देखेंगे। वो नया नया साइकिल ही है तो मुझे देखने के लिए बुला रही है। देख के आते हैं कैसा साइकिल ली है। चलते हैं। वो रो रही है मेरे को वो नहीं आ रहा है बोल के है ना रो रही है ना। आ रहा हूँ मैं। ए बेंद्री कहाँ जा था तेरे? ओ तो ये है तुम्हारा साइकिल। वाह चलाओ चलाओ साइकिल चलाओ। ओहो कितना सुंदर है इसका साइकिल। मैं भी चढ़ूंगा चलो मैं भी चढ़ू चलो मुझे बैठाओ चलो। नहीं बैठाओगे मुझे? नहीं अमी छोटो तुम्हें बड़ो चलो। अरे रास्ता देखो रास्ता चलो चलाओ चलाओ। ये मुड़ है फिर गिरा देगी इसको फिर पड़ी जाएगी फिर रोएगी। सीखो चलो चलाओ साइकिल चलाओ।
चला चलो चला ब्रू करो ब्रू वन टू थ्री ये गिर 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 गिर। हे गाइस सो रात हो चुकी है 11:30 हो गया है 9 बजे से मैं बैठा हूँ और बैठा ही हूँ वोट नहीं रहा है दोस्तों ताकत ही नहीं है एक्चुअली प्रॉब्लम है गाइस हाफी दिल रहा हूँ हमारा काम है जो कि होने ही वाला है को वो भी 5-6 महीने से पता नहीं क्या टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है सिर्फ बनाते बनाते इतने घंटे बैठना पड़ा 10-11 2 घंटा नहीं 1.5 घंटा अब 3 घंटा होने वाला है 12 बजने वाला है लेकिन हमारा काम हुआ ही नहीं है अभी कॉपी नहीं है अभी अपलोड करना अभी अभी एडिट करूँगा फिर जाके एक्सपोर्ट करूँगा फिर जाके अपलोड भी करेंगे उसके बाद सोएगा उसके बाद अब जाकर नींद चैन की नींद उसके बाद चैन की नींद सोएंगे गाइस पता नहीं क्या क्या करना बच गया तो इसलिए अभी आग जला है देख सकते हैं कोहड़ी चल रहा है जैसे तैसे करके हमारा आग देख रहे हैं अभी कॉपी हो रहा है फिर कॉपी होगा फिर लोगो भी ढूंढ रहा है अभी मैं लोगो ढूंढ रहा हूँ आधा घंटा से लगा हूँ पता नहीं कब मिलेगा कल मिलेगा और वीडियो पता नहीं कब आएगा फिर डेट कल का है ना तो इसीलिए पता नहीं क्या होगा जो मस्त क्वालिटी दिखाते हैं एकदम एचडी दिखाते हैं मस्त दिखा रहे हैं दे दस दे एचडी दिख रहा हूँ हीरो टेप अब मैं भी एचडी दिख रहा हूँ मुझे भी दस दो बात तो सही है मिली कभी कभी सोचता हूँ यार हम लोग इतने अपने मोबाइल में इतने डेटा क्यों रखते हैं या तो इतना डेटा रखते ही हैं या फिर कभी कभार बोलने के लिए रखते हैं कभी कभी ये सोचते हैं कि ना क्यों रखते हैं अब आप जाके याद आ रहा है कि इसीलिए रखते हैं कि वो डेटा कभी ना कभी मिलेगा कहाँ पर है उसको याद करते करते आप अभी आपको पता है चला कि हम लोग डेटा क्यों रखते हैं हर इंसान की स्टोरेज फुल रहता है क्यों क्योंकि कभी ना कभी काम आएगा वो डेटा वही कई कितने साल पुराना उसके मोबाइल में जो लोगो था वो है वो ढूंढ रहा मिलेगा तो उसको ऐड करेंगे मुझे खुद पे बहुत हंसी आ रही है तो आधा गाइस मैंने अभी ना कंप्यूटर को रीसेट किया है एक बार पूरा सब डेटा क्लियर किया है फिर अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है फिर उसके बाद कंप्यूटर को भी रीसेट मार दिया ना अभी जाके काम हो रहा है बस कॉपी होगा फिर उसके बाद मैं अपना काम करूँगा फिर कंप्यूटर जाएगा और कल दोपहर 12 बजे तक हमारा टीजर आ जाएगा टीजर आने के बाद फिर वीडियो जब आएगा तब आएगा आप देख लीजिएगा तो गाइस मिलते हैं आज के लिए ब्लॉग इतना बन गया तो दोस्तों अगर हम लोग कल 12 बजे तक ना सोएं तो आप हमारे लिए अपना नींद खराब ना करें आप सो जाएं सही में सो जाइए गुड नाइट मिलते हैं कल आज के लिए टाटा बाय बाय सी यू टुमारो और देखते रहिए फिर ब्लॉग गाइस ही